एक ऐसा एक्टर जिसका डेब्यू सलमान खान वाले हिट फिल्म मैंने प्यार किया से होना था, मगर किसी वजह से हो नहीं पाया। इसके अलावा रानी मुखर्जी के हिट फिल्म के हीरो रहे एक्टर फराज खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 46 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे एक्टर ने बेंगलुरु के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो निमोनिया और ब्रेन इन्फेक्शन से पीड़ित बताए जा रहे थे। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फराज खान वैसे तो लंबे वक्त से बड़े और छोटे दोनों पर्दों से दूर थे, लेकिन एक ऐसा जमाना था जब उनके लुक्स पर सभी लड़कियां फिदा हो जाया करती थी। उनकी एक्टिंग देख सभी इंप्रेस हो जाते थे। फराज ने रानी मुखर्जी संग बतौर लीड हीरो भी काम किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फराज खान का डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया से होने वाला था। ये वही फिल्म है जिससे बाद में सलमान खान ने अपना डेब्यू किया और ये उनके करियर में मील का पत्थर भी साबित हुई। बताया जाता है कि डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की इस फिल्म के लिए कई कलाकारों ने ऑडिशन दिए थे। उन्हीं कलाकारों में फराज खान का नाम भी शामिल था। सूरज को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया था, लेकिन जैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही फिल्मों पर भी किसी न किसी कलाकार का हक रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ फराज के साथ। अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान फराज काफी बीमार पड़ गए। वो इतने बीमार हो गए कि उनके लिए शूटिंग करना नामुमकिन था। उसी वजह से बाद में फराज की जगह सलमान खान को उस फिल्म में कास्ट किया गया और वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगर फराज ये फिल्म कर लेते तो शायद उनका फिल्मी करियर भी अलग उड़ान भरता। खैर, फराज खान ने इसके बाद भी काफी नाम किया। 90 के दौर में वो बड़े पर्दे पर सक्रिय रहे। उन्हें रानी मुखर्जी के संग फिल्म मेहंदी में काफी पसंद किया गया। फरेब, दुल्हन बनू मैं तेरी, चांद बुझ गया, ऐसी कुछ बेहतरीन फिल्मों में उनका नाम आया और वो काफी वक्त तक छाए भी रहे। फराज ने कुछ समय तक टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। उन्होंने किसी बड़े सीरियल्स में तो काम नहीं किया, लेकिन वो छोटे रोल निभाते रहे। उन्होंने हॉरर शो फिर कोई है, सीरियल रात होने को है, सिंदूर तेरे नाम का में भी काम किया था, लेकिन फिल्म मेहंदी के बाद वो सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से सुर्खियों में रहे। अब फराज सभी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। न्यूज़ तक ब्यूरो।